हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको लेस पैटर्न के बारे में बताऊंगा, लेस कैरिज के बारे में बताऊंगा। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम उसे यूज कैसे करते हैं, सिर्फ मैंने वो चलाकर ट्राई किया था। लास्ट वीडियो में मैंने फर्स्ट टाइम वो कैरिज चलाया था, इसलिए मैं आपको कुछ नहीं समझा पाया था। तो मैंने काफ़ी स्टडी की है कार्ड के ऊपर, जो लेस कार्ड्स होते हैं उनके ऊपर। तो मैं आपको बता दूँ, हमारी मशीन के साथ इस तरीके के दो स्टैंड आते हैं, वो हमें इस क्लिप में और एक यहाँ पर जो होल दे रखा है इसके अंदर जिसके लॉक होते हैं वो अच्छे से कनेक्ट करके स्टैंड को हमें लगा लेना होता है। ये देखिए, जो मैं लॉक के बारे में बता रहा था, ये लॉक होते हैं, तो इसको दोनों होल में अच्छे से लगाकर लॉक कर लेंगे। ये दोनों साइड हमें लगाने, अगर आपको एक्सपीरियंस है कि आप बिना स्टैंड के चला सकते हैं तो आपको ज़रूरत नहीं है लगाने के, पर अगर आप बिगनर हैं तो आपको ये ज़रूर लगाने पड़ेंगे। क्योंकि इससे क्या होता है, जब हमारी बेल्ट कनेक्ट रहती है दोनों कैरिज में, तो हम एक कैरिज को चलाते हैं तो एक पर ध्यान नहीं दे पाते, जिसकी वजह से हमारा कैरिज नीचे गिर जाता है। तो अगर आप ये लगा लोगे तो मशीन सेफ रहेगी। तो मैं आपको बता दूँ, जिस तरीके से हम अपना पल्ला लगाते हैं उसी तरीके से हमें पल्ला लगा लेना है। जैसे भी लगाते हैं उस तरीके से लगा सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, वीडियो को बीच में स्किप नहीं करना है। अगर आपको कुछ भी सीखना है लेस कैरिज के बारे में, लेस डिजाइन के बारे में, तो मैं आपको बता दूं, यहाँ मैंने दो राउंड लगा लिए हैं। अब बेल्ट कनेक्ट करनी है और एक राउंड लगाना है। अब मैं आपको कार्ड दिखाता हूँ, कार्ड में किस तरह के सिंबल्स या एरो बने हुए हैं। तो ये देखिए, जो ये यू टर्न वाला एरो है, इसका मतलब होता है एक राउंड। तो एक राउंड लगाने के लिए हमें एक रेड एरो उसके नीचे रखना ज़रूरी है, उसके बाद ही हमारा एक राउंड कार्ड के साथ कम्प्लीट होगा। तो यहाँ पर मैं एक राउंड लगा लेता हूँ, एक राउंड कंप्लीट हो गया। अब हमारे वहाँ पर तीन एरो हैं, इस तरीके से डिजाइन आ जाएगा और हमारे कार्ड के अंदर तीन एरो हैं। हमारे कार्ड के अंदर तीन एरो, हमें इन्हें लेस कैरिज के साथ फॉलो करते रहना है तब तक ये ब्लैक एरो अपनी जगह पर नहीं आ जाएगा मैन धागा लगाने के लिए कैरिज से। तो चलो मैं यहाँ पर आपको लेस कैरिज को चलाकर दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, हमें तब तक ही फॉलो करना है उन एरो को जब तक वो ब्लैक एरो अपनी जगह पर नहीं आ जाएगा मैन कैरिज से धागा लगाने के लिए। तो आपको मैं एक बात और बता दूं, अगर आपके कार्ड में किसी भी तरह का डिजाइन है लेस पैटर्न को लेकर, तो आपको उस एरो को ही फॉलो करना है। ये नहीं है कि अगर मैं इसमें दो राउंड लगा रहा हूँ तो आपको दो लगाने हैं, एक लगा रहा हूँ तो एक लगाना है। ये सिर्फ आपके कार्ड पर डिपेंड है। आप लोगों को सिर्फ अपने कार्ड को ही फॉलो करते रहना है, उसमें किसी तरह के भी कितने भी राउंड बने हो, बस आपको जो यू टर्न की तरह ब्लैक एरो है उस पर थोड़ा ध्यान देना होगा। जब भी वो आपका जगह पर आ जाएगा चलाने के लिए, तो आपको मैन कैरिज पर धागा लगाकर ही चलाना पड़ेगा, बाकी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप एक दो बार ख़राब करोगे तो बाद में उसे सही भी कर सकते हैं। अगर एक बार आप ऐसे ही रफली बना के देख लें, उसके बाद आप सही करोगे, क्योंकि मैंने भी कई बार इस पर बनाकर ट्राई किया था, कई बार ख़राब भी हुआ था। तो मैं आपको बता दूँ, आप एक बार ख़राब ऊन पर ही बना के देख ले, जिससे कि बाद में प्रॉब्लम नहीं होगी आपको लेस डिजाइन बनाने के लिए। तो अगर आपको कभी भी लेस कार्ड का यूज़ करना है तो एक बार ख़राब ऊन पर ही करें, उसके बाद आप जो बनाना चाहते हैं उसका बना सकते हैं, क्योंकि मिस्टेक नहीं होती है फिर ज़्यादा। तो आप वीडियो को पूरा देखें और समझें कि किस तरीके से मैं कैरिज का यूज़ कर रहा हूँ, कितने कितने राउंड में लगा रहा हूँ। बाकी सब कुछ डिपेंड हमारे कार्ड पर है, किस तरीके से हमें राउंड लगाने हैं। कल मैंने वीडियो में किसी और तरीके से लगाए थे, आज की वीडियो में कुछ और है। तो आपको पूरा वीडियो देखते हुए सही तरीके से इसकी स्टडी कर लेनी है कार्ड की। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं तुरंत आपको रिप्लाई करूँगा। थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड के साथ ये वीडियो शेयर करें जिन्हें नहीं पता लेस कैरिज का यूज कैसे होता है।